हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशीष मोटो में। आज हम बात करने वाले हैं किया सेल्टॉस के बारे में। अपने सेगमेंट की मिड साइज एसयूवी है, सीधे कॉम्पिटिशन देती है हुंडई क्रेटा, ग्रैंड विटारा, टाटा हैरियर जैसी गाड़ियों को। स्टार्टिंग प्राइस की बात की जाए तो 10,90,000 एक्स शोरूम से इसका बेस वेरियंट स्टार्ट होता है और टॉप चला जाता है 20,30,000 एक्स शोरूम तक। अभी आपके सामने सबसे बेस HTE वेरियंट खड़ा हुआ है डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। पहले किया वालों ने डीजल के अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन बंद कर दिया था, लेकिन अब फिर से लॉन्च कर दिया है बिकॉज हुंडई क्रेटा जो आ चुके हैं फेस लिफ्ट के अंदर। तो भाई तगड़ा कंपटीशन है इन दोनों का, तो इसीलिए जो है इनको लॉन्च करना पड़ा। तो आज इसी बेस वेरिएंट के बारे में हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे, इसके एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर तक, इंजन, फीचर्स, देन प्राइस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कलर चॉइसेस की। तो इसके अंदर वाइट, सिल्वर, ग्रीन, रेड, ब्लू, बहुत सारी कलर चॉइसेस आपको देखने को मिल जाती हैं। इंजन भी आपको मिलते हैं तीन तरह के, 1.5 लीटर का पेट्रोल, 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर का डीजल इंजन। अभी आप देख रहे हैं 1.5 लीटर डीजल इंजन को 115 bhp और 250 nm का टॉर्क निकालता है और माइलेज भी आप सुन के चौंक जाएंगे, 20 से 21 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज आप इससे निकाल सकते हैं। मतलब डीजल के अंदर माइलेज भी काफ़ी अच्छा मिलता है और चलाने में भी बहुत मज़ा आता है बिकॉज इसका टॉर्क वगैरह सबसे बढ़िया है। की बात की जाए तो ऐसे कुछ आपको यहाँ पे की मिलेगी, फ्लिप की रहती है इस वाले वेरिएंट में और देखिए कितनी प्रीमियम की लग रही है। किया की ब्रांडिंग है, यहाँ पे लॉक, अनलॉक और बूट अनलॉक करने का बटन देखने को मिल जाता है। इसकी की मुझे बहुत अच्छी लगती है। जो दूसरी की है सेम आपको यहाँ पे रिमोट सेंटर लॉकिंग की दी जाएगी। अब चलिए बात करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर से, फिर चलेंगे इसके इंटीरियर के अंदर। तो फ्रंट से देख लीजिए, काफ़ी बढ़िया मस्कुलर लुक्स आपको मिलेंगे इस टाइगर नोज ग्रिल की वजह से। यहाँ पे किया की ब्रांडिंग, किया का लोगो है, ये देखेंगे ना ब्लैक फिनिश में हनीकॉम डिज़ाइन, उसके ऊपर सिल्वर इंसर्ट्स। अगर आप टॉप में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कनेक्टिंग यहाँ पे मिल जाते हैं DRL जो कि इसकी ग्रिल तक कंटिन्यू रहते हैं। यहाँ पे ऊपर देखेंगे हेडलैम्प्स में तो टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट है, नीचे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ऑफर किए जा रहे हैं, इनका थ्रू आपको मिलता है हैलोजन में। यहाँ पे कोई फॉग लैंप्स नहीं मिलने वाले इस वेरिएंट के अंदर। सामने बैठ के देखेंगे तो ऐसा कुछ आपको पूरा फ्रंट फेसियर नजर आएगा, 190 मिलीमीटर का है ग्राउंड क्लियरेंस। टॉप में चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलेंगे। बोनट पे काफ़ी कट्स एंड क्रीजेस, यहाँ पे डुअल वाइपर विद वॉशर का सेटअप। अगर रूफ़ की बात की जाए तो सबसे बेस वेरिएंट में भी आपको शार्कविन एंटीना यहाँ पे दिया जा रहा है, बाकी कोई रूफ रेल्स वगैरह नहीं मिलेंगे, आप इसमें बाद में लगवा सकते हैं। ए पिलर आपको मिलता है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में। अब आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ, तो सबसे बेस वेरिएंट में भी आपको व्हील कवर्स दिए जा रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। डायमेंशंस की बात की जाए तो 4365 mm लेंथ है, 1800 mm इसकी विड्थ है और 1645 mm आपको हाइट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको 16 इंच के स्टील व्हील दिए जा रहे हैं व्हील कवर्स के साथ में। किया की ब्रांडिंग, किया का लोगो आपको उसके अंदर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे गुडियर के आपको मिलते हैं टायर्स। अगर टायर सेक्शन की बात की जाए तो ये देख लीजिए 205/8/17 का आपको सेक्शन वगैरह देखने को मिल जाएगा, ऊपर आपको क्लैडिंग वगैरह मिलती है। फेंडर पे आपको मिल जाएगी टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट। आउटर मिरर्स की बात करें तो बॉडी कलर्ड है ब्लैक फिनिश के साथ में, मैनुअली एडजस्टेबल एंड मैनुअली फोल्डेबल है, मतलब अंदर आपको लीवर सा मिलेगा उसको एडजस्ट करने के लिए। जो इसके डोर हैंडल्स रहते हैं वो रहेंगे बॉडी कलर्ड, आप इसमें बाद में क्रोम वगैरह लगवा सकते हैं इसके ऊपर। बाकी फ्रंट डैशबोर्ड की बात की जाए तो ऐसा कुछ आपको मिलता है डुअल टोन कलर में, कोई ऑडियो सिस्टम नहीं दिया जाता सबसे बेस वेरिएंट के अंदर। बी पिलर आपको मिलता है मैट फिनिश में, रूफ में आपको दिखाई चुका हूँ, यहाँ पे आप रूफ रेस लगवा लीजिए, बाकी बिल्कुल झकास यहाँ पे रहने वाला सब कुछ। चारों पहियों में मिलती है डिस्क ब्रेक, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब ऑल फोर डिस्क ब्रेक होने से ब्रेकिंग जो है काफ़ी अच्छी हो जाती है। उसी के ऊपर आपको दिया गया है यहाँ पे फ्यूल फिलर कैप, यहाँ से डलवाएंगे आप डीजल और पेट्रोल, 50 लीटर की मिल जाती है आपको टैंक कैपेसिटी। अब आ जाते हैं इसके रियर प्रोफाइल में, तो भाई रियर से देख लो ऐसे कुछ आपको यहाँ पे लुक्स नज़र आने वाले हैं। काफ़ी बेहतरीन कनेक्टिंग टेल लैंप्स मिलते हैं लेकिन बेस में ये पूरे नहीं जलेंगे, ऊपर शार्कविन एंटीना है, नीचे आप देखेंगे साइड में तो स्पॉयलर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, कोई डिफॉगर, कोई वाइपर आपको नहीं मिलने वाला सबसे बेस वेरिएंट के अंदर। यहाँ पे किया की ब्रांडिंग, किया का लोगो, कोई कैमरा वगैरह नहीं आता है। ये रहे इसके कनेक्टिंग टेल लैंप्स, भाई टॉप में जाएंगे तो पूरे बूट में जलते हुए मिल जाएंगे लेकिन ये बेस में नहीं जलते हैं। इसी के अंदर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिलती है। नीचे यहाँ पे चार एयर पार्किंग सेंसर, चार पॉइंट्स, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर, रिवर्स लाइट की प्लेसमेंट, सिल्वर फिनिश में स्किड पेट और नीचे का पूरा सस्पेंशन सेटअप और एग्जॉस्ट टेल पाइप आप देख सकते हैं। आप चलिए इसका बूट ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका बूट स्पेस। तो यहाँ पे मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन। अगर स्पेस की बात करें तो इसके अंदर मिलता है 447 लीटर का बूट स्पेस, मतलब अच्छा खासा स्पेस है। एंड नीचे यहाँ पे मिल जाएगा स्पेयर व्हील, टूल किट वगैरह आपको सब कुछ यहीं पे देखने को मिल जाती है। बाकी पार्सल ट्रे नहीं आती है, ना ही आप इसमें बाद में मतलब इंस्टॉल करवा सकते हैं, कोई आपको यहाँ पे लगवाने का जुगाड़ नहीं दिया गया है। अब चलिए इसको कर देते हैं बंद और चलेंगे इसके रियर सीट्स की तरफ। रियर सीटिंग कंफर्ट, लेग रूम, हेड रूम पूरा बैठ के अच्छे से देखते हैं।
तो भाई पहले आप डोर ट्रिम देख लो, ऐसा कुछ आपको मिलता है पूरा ब्लैक फिनिश में। ये इसका डोर ओपनर, और सबसे बेस में भी भाई आपको यहाँ पे सनसेट्स दिए जा रहे हैं। देख रहे हैं ना भाई किया वाले क्या क्या आपको दे रहे हैं अच्छे अच्छे फीचर्स। पावर डोर के कंट्रोल्स में स्पीकर के लिए जगह, नीचे आपको काफ़ी अच्छा सा स्पेस देखने को मिल जाएगा। रियर कैबिन में इतना कुछ लेग रूम है, इतना कुछ मिलेगा आपको हेड रूम, दो दो हेडरेस्ट हैं, फैब्रिक की सीट्स हैं, आप इसमें बाद में सीट कवर लगवा सकते हैं। टॉप में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सनरूफ भी देखने को मिलती है। अब चलिए अंदर बैठते हैं और अंदर से बैठ के पूरा स्पेस चेक करते हैं। तो रियर वाली सीट पर बैठने के बाद इतना कुछ आपको मिलता है, नी रूम, लेग रूम देख लीजिए, अंडर थाई सपोर्ट भी आपको काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे दिया जा रहा है, मतलब स्पेस की कोई भी दिक्कत नहीं है इसकी रियर सीट्स पे। सेंटर की बात करते हैं तो यहाँ पे रियर एसी वेंट्स हैं, नीचे देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस। टाइप सी के दो चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और ये अंदर का पूरा इंटीरियर, यहाँ पे ऊपर ग्रैब हैंडल, दो दो हेडरेस्ट जो कि फिक्स्ड रहने वाले हैं, आप इनको एडजस्ट नहीं कर पाओगे। ऊपर आपको मिलती है रूफ लाइट जो कि हैलोजन में रहेगी। फ्रंट डैशबोर्ड ऐसा कुछ आपको मिलेगा डुअल टोन कलर में, सामने आपको कोई ऑडियो सिस्टम नहीं दिया जाता है, बाद में आपको लगवाना पड़ेगा। स्टेयरिंग के ऊपर आपको MID के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। आप चलते हैं इसके फ्रंट ड्राइवर सीट पे, तो ये रहा इसके डोर हैंडल्स। टॉप में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलता है रिक्वेस्ट सेंसर, कीलेस एंट्री वाला आपको सिस्टम देखने को मिल जाएगा। डोर ट्रिम की बात की जाए तो पूरा ब्लैक फिनिश में सेम, यहाँ पे डोर ओपनर, यहाँ पे ये ORVM के कंट्रोल्स, लीवर, यहाँ पे ट्विटर के लिए जगह, यहाँ पे पावर डोर के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक के बटन, स्पीकर के लिए जगह, यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस। फ्रंट कैबिन में इतना कुछ आपको मिलता है स्पेस, आगे वाले जो हेडरेस्ट हैं उनको आप एडजस्ट कर पाओगे। और ये इसका फ्रंट डैशबोर्ड देख लीजिए, अगर इसकी फैब्रिक की सीट्स दिखाऊं तो ओपन करके दिखाता हूं, तो ऐसा कुछ आपको पूरा टेक्सचर देखने को मिल जाएगा इनकी सीट्स के ऊपर। और यहां से हाइट, यहां से रेक्लाइन कर सकते हैं अपनी सीट्स को। नीचे आपको फ्यूल कैप ओपनर, यहां पे मैनुअल ABC पेडल्स, बोनट आप यहां से खोल सकते हो। ऊपर आपको ट्रैक्शन का बटन, यहां पे आइडियल स्टार्ट शॉक का बटन, यहां पे आपको हेडलाइट लेवलर, और ये रहे इसके AC के वेंट्स। आप चलिए अंदर बैठते हैं और अंदर से बैठ के सारी चीज़ें कवर करते हैं। तो फ्रंट ड्राइवर सीट पर बैठने के बाद ऐसा कुछ आपको दिखने वाला है इसका फ्रंट डैशबोर्ड। अब चलिए ऑन करते हैं इसका इग्निशन। ये रही इसकी फ्लिप की, जिसको हम लगाएंगे साइड में, और गाड़ी का इग्निशन ऑन करते ही सबसे बेस से आपको मिलता है फुली डिजिटल क्लस्टर, काफ़ी देखने में बेहतरीन लग रहा है। बेस से लेकर टॉप तक आपको यही क्लस्टर मिलता है। एक तरफ RPM मीटर, एक तरफ स्पीडोमीटर, बीच में MID, जिसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। नीचे साइड में देखेंगे तो इंजन टेम्परेचर, फ्यूल गेज, और इस MID को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से आप ट्रिप ए, ट्रिप बी, माइलेज, रेंज, यूरिया के लेवल, सारी चीज़ें आप यहीं से देख पाएंगे। बाकी डीजल वेरिएंट है तो आपको यूरिया डलाना पड़ता है, मतलब DF फ्यूल डलवाना पड़ेगा। स्टीयरिंग की बात की जाए तो ऐसा कुछ आपको मिलेगा, सेंटर में किया की ब्रांडिंग है, किया का लोगो, यहाँ पे MID के बटन देखने को मिल जाते हैं। वाइपर के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए, हेडलैम्प के सारे कंट्रोल्स। एंड एडजस्टमेंट की बात की जाए तो नीचे ये लीवर मिलता है, जिसके थ्रू आप अपनी स्टीयरिंग को टिल्ट ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। अब चलिए इसको कर देते हैं लॉक। अब बात करेंगे गाड़ी के सेंटर कंसोल की, तो यहाँ पे कोई भी ऑडियो सिस्टम आपको नहीं मिल रहा है, आपको बाद में इसमें लगवाना पड़ेगा अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, इसीलिए लोग इसका बेस वेंट जो है ज़्यादा पसंद करते हैं। नीचे की बात की जाए तो यहाँ पे हैजार्ड का स्विच है, यहाँ पे आपको मिलते हैं AC के वेंट्स, मैनुअल AC के सारे कंट्रोल्स। यहाँ पे देखोगे तो आपको मिल जाता है ये 12V का चार्जिंग आउटलेट, बगल में आपको टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पे आपको कुछ स्पेस, और ये इसका 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन। आप इसको इसके अलावा IVT, IMT इन सब ट्रांसमिशन के साथ ले सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए इसका मैनुअल ट्रांसमिशन है, क्लच भी आ चुका है, और ये मैनुअल हैंडब्रेक, दो कप होल्डर। यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्पेस इसके अंदर मिल जाता है, आर्मरेस्ट है, आराम से अपना हाथ वगैरह यहाँ पे रख सकते हो। ग्लव बॉक्स में भी आपको ठीक ठाक स्पेस देखने को मिलता है। ये तो हो गया पूरा फ्रंट डैशबोर्ड। ऊपर देखेंगे तो मैनुअल डे नाइट IRVM है। इधर सनवाइजर में कोई मिरर नहीं मिलता। अगर को ड्राइवर सेट की बात की जाए तो यहाँ पे दिया जा रहा है, यहाँ पे लाइट के सारे कंट्रोल्स हैं, हेलोजन में आपको मिलने वाले हैं। ये दिया गया है यहाँ पे सनग्लास होल्डर, जो कि आपको क्रेटा में नहीं मिलता है। एंड विजिबिलिटी वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी किया सेल्टॉस के अंदर। सेफ्टी के लिए आपको यहाँ पे 6 एयरबैग दिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स और प्राइसिंग की, तो इसके अंदर आपको ABS विद EBD, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, और यहाँ पे आपको मिलते हैं 6 एयरबैग। प्राइसिंग की बात की जाए तो अभी आप देख रहे हैं सबसे बेस HTE वेरियंट को, बेस वेरियंट है डीजल इंजन के साथ में प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन है। 12 लाख रुपये एक्स शोरूम और लगभग 14 लाख रुपये की आपको ये ऑन रोड लखनऊ पड़ने वाली है। बाकी ऑन रोड प्राइसेस स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकते हैं, आप अपने शोरूम पे जाके पता कर लीजिएगा। तो ये थी किया सेल्टॉस अपने सेगमेंट की मिड साइज SUV, कैसे लगी आपको नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड स्पेशल थैंक्स टू किया बालाजी लखनऊ, जिन्होंने मुझे इसे कवर करने का मौका दिया। तो डील एनी किया कार्स, विजिट दिस शोरूम। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।